डिवाइन कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका डिजिटल ट्रेनर दिनेश और आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने सिस्टम में स्क्रीन को या किसी भी चीज को जूम कैसे कर सकते हो। हमारे विंडोज कंप्यूटर में जो मैग्नीफायर सिस्टम होता है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको लिखना है मैग्नीफायर। आप सिर्फ मैग लिखेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो कर देगा। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और आपके सामने इस टाइप की छोटी सी बार आ जाएगी। इस टूल बार की सहायता से आप किसी भी चीज को आसानी से जूम कर सकते हो, जितना परसेंट आप करना चाहते हो। जैसे अभी यहाँ पे 100% दिखा रहा है, आपको सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक इसके जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगा। ये देखिए अभी ये जो स्क्रीन साइज है ये काफी बढ़ चुकी है। हम यहाँ पे ये वाला जो मैग्नीफायर ऑप्शन होता है इस पे सिर्फ प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जूम साइज को और भी बढ़ा देगा। ये देखिए अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ ताकि आपको जूम करने के लिए प्लस का यूज ना करना पड़े और ना ही माइनस का यूज करना पड़े। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपके कीबोर्ड का विंडोज और विंडोज के साथ प्लस या फिर माइनस। अगर आप विंडोज के साथ प्लस या माइनस दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अब आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपका माउस कर्सर होगा वहाँ पे आपका मैग्नीफायर जूम इन या जूम आउट करेगा। ये देखिए जैसे मैं विंडोज प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो हमारी CMD वाली ऑप्शन है ये अभी जूम हो रही है। नेक्स्ट अगर जूम आउट करना है तो फिर हम माइनस करेंगे। ये टेक्स्ट नॉर्मली इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं बट जब हम इनको जूम करेंगे तो हम कितने पास से इनको हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में मैग्नीफायर यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट कीज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।